आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर बटर मसाला, जिसे हम पनीर मक्खनी भी कहते पनीर हैं। बटर मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम पनीर, और पनीर को हम सॉफ्ट करेंगे, जिसके लिए हमने 2 से 3 कप गर्म पानी लिया हुआ है। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक और इसे मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम अपने सारे पनीर ऐड कर देंगे और इसे 15 मिनट साइड में रखेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। पनीर बटर मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए हम लेंगे एक पैन। पैन गरम होने पर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल और 2 चम्मच बटर। बटर को मेल्ट करेंगे। मेल्ट होने पर ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, जिसे अच्छे से फ्राई करेंगे। जीरे के फ्राई होने के बाद हम ऐड करेंगे खड़े मसाले, जिसमें 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, 4 लाल मिर्च, 5 से 6 कली लहसुन के, 2 अदरक के टुकड़ा। इसे थोड़ा सा भूनेंगे और ऐड करेंगे अब प्याज। एक प्याज को मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। इसे फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, गोल्डन नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा गल गया इतना फ्राई करेंगे। हल्का हल्का फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पक चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे काजू। चार टमाटर, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। सबको अच्छे से मिला लेंगे। नमक थोड़ा सा, ताकि हमारे प्याज टमाटर अच्छे से पक जाए। एक कप पानी, इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि बटर का फ्लेवर प्याज टमाटर और सारे खड़े मसाले में आ जाए। एक उबाल का इंतजार करेंगे। उबाल आते ही ढक के 5 से 7 मिनट पकाएंगे, जब तक कि प्याज टमाटर सब अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। बीच बीच में आप लीड हटा के चेक करते रहें कि अच्छे से गल गया हुआ है। आप देख सकते हैं प्याज टमाटर सब अच्छे से पक चुका है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे और ठंडा करेंगे। प्याज टमाटर खड़े मसाले अच्छे से ठंडा हो चुके हैं। अब इनको हम ट्रांसफर करेंगे मिक्सी जार में और एक सॉफ्ट प्यूरी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम महीन प्यूरी तैयार है, लेकिन हम इसे एक बार छान लेंगे ताकि कोई रेशा नहीं रहे इसमें। इसके लिए हम
एक छन्नी लेंगे और छन्नी की मदद से हम सारे प्यूरी को छान लेंगे। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा। पैन गरम है, अब इसमें ऐड करेंगे हम एक चम्मच रेगुलर तेल, दो चम्मच बटर, ग्रेटेड जिंजर एक चम्मच और हरी मिर्च दो, जिसे चॉप कर लिया है लंबे में। इन सबको फ्राई कर लेंगे बटर के साथ। अब ऐड करेंगे पनीर, पनीर को हम हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का बटर और अदरक के साथ, ताकि इसमें बटरी फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसे मिलाएंगे जल्दी से, ताकि ये जल नहीं पाए। और हम ऐड करेंगे अपनी पनीर बटर मसाला की ग्रेवी। अब बहुत हल्के हाथों से इन सबको मिला देंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे और सबको अच्छे से पकाएंगे। नमक ऐड करेंगे बहुत थोड़ा, क्योंकि मसाले और पनीर दोनों में नमक है। 5 मिनट हल्के फ्लेम पे पकाएंगे। अब ऐड करेंगे एक चम्मच गरम मसाला और मिला लेंगे। 1 मिनट और पकाएंगे। पनीर बटर मसाला बनके तैयार है। अब गैस का फ्लेम हम बंद करते हैं और इसमें ऐड करते हैं 4 चम्मच फ्रेश क्रीम, 7 में कस्तूरी मेथी। पनीर बटर मसाला तैयार है, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन।